दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही स्मॉल प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। पूरा मैंने इसे डिफाइन किया है, इसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर क्रिएट किया है। इसके अगर हम साइज़ की बात करें तो बहुत ही छोटा है, मात्र 432 स्क्वायर फीट में ये घर बनकर रेडी हुआ है। इसका साइज़ की बात करें, फ्रंट एलिवेशन की बात करें या फ्रंट चौड़ाई की बात करें तो ये 12 फिट है। अगर वहीं हम लंबाई की बात करते हैं तो ये 36 फिट, 12x36 में ये पूरा मकान बनकर रेडी हुआ है और बहुत ही बेहतरीन सा लुक आपको देखने को मिल रहा होगा घर का। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। इसके अंदर मैंने क्या डिज़ाइन किया है और इसका फ्रंट एलिवेशन है वो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। पहले से ही आप जैसे जूम करेंगे इसकी रेलिंग वगैरह आप देखिएगा, जो कि जो मैंने डिज़ाइन की है, रेलिंग बहुत ही सिंपल और नॉर्मल सी डिज़ाइन की ये देखिएगा। कुछ मैंने कलर वगैरह कर दिया। ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये पेड़ आपको मैंने रख दिए हैं। ये आप पूरे देखिए डिज़ाइन, ये गुमटी देख पा रहे होंगे। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो ये आप बहुत ही बारीकी से देख पा रहे होंगे। अब हम इसके बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की, और दोस्तों मैं इसके कॉस्ट को भी फाइंड आउट करके बताऊंगा, कॉस्ट इसमें घर को बनवाने में कितना लगेगा वो भी मैं बताऊंगा। तो जैसे ग्राउंड फ्लोर बात है तो ये देखिएगा, फ्रंट से रोड है, थ्री साइड क्लोज्ड है। ये आपकी स्टेयर से ऊपर जाने के लिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने लगा दिया, जो आप देखिए फूल टाइप के देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा मटेरियल है। फिलहाल जो आपका घर स्टार्ट होता है, ये वाली जो वॉल आपको दिख रही है, यहाँ से सीढ़ियों से जैसे चढ़ेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बारंदा टाइप का मिल जाता है बड़ा सा, और इसी बारंदे में ये देखिए बीम के लिए ये एक पुट्टी का डिज़ाइन, सॉरी पीओपी का डिज़ाइन। और इसके बाद ये आपका जो बारंदा दिख रहा है, ये आपकी लाइट लगी हुई, दोस्तों मैंने यहाँ रिमूव नहीं किया है। ये आपकी स्टेयर से आप इधर से आएंगे, बारंदे में, बारंदे के माध्यम से आप चढ़ेंगे और आप ऐसे चलते चले जाएंगे डायरेक्ट। आप फिर यहाँ पर जो एक गुमटी मैंने अभी जब दिखाई तब आपको समझ में आया, कुल मिला के बारंदे से आपका ये दिया है जीना मैंने। इसके बाद ये पूरा एक बड़ा सा बारंदा का ये डोर है और ये एक विंडो, डोर्स के माध्यम से आप जाते हैं पीछे तो सबसे पीछे आपको बड़ा सा बेडरूम मिल जाता है 12x12 फिट का अप्रॉक्स में। और ये गैलरी भी जो आपकी 6 फिट में, सॉरी ये टोटल 12 फिट है, ये लगभग गैलरी आपकी 5 फिट की है। ये 7 फिट में आपका फ्रंट में आपका मैंने किचन क्रिएट किया है, ये देखिएगा, इसलिए मैंने डोर दिया है और विंडो दिया है। ये लेट एंड बाथ 6, लगभग ये 5x7 फिट में, और ये 5x, ये दोस्तों आपका 7x7 फिट में रेडी बनकर हो जाता है। कुल मिलाकर 3 पोर्शन मैंने ये पूरा मकान डिवाइड कर दिया है, 12 फिट पीछे, फिर से 12 फिट और फिर से 12 फिट, तो 12x36 फिट आपका ये कवर हो जाता है, जिसमें कि एक पूरा बड़ा सा बेडरूम 12 फिट में। इस 12 फिट में ये मैंने 5 फिट का रखा, ये 6 फिट का रखा, चौड़ाई की बात कर रहा हूँ। इधर से अगर हम लंबाई की बात करें तो 7 फिट है, तो 7x5 7x12 का, सॉरी 7x7 का ये मकान, ये आपका अगर हम बात करें आपके किचन की, ये निकल गया था बारंदा 12x12 का, उसी में आपका स्टेयर्स है। फ्रंट लुक की बात करें तो ये आपका एक पिलर दिया है मैंने, और जो स्टेयर्स आप देख पा रहे हो बारंदे से होकर जाएंगी, ये पूरा देखिए डिज़ाइन। फ्रंट एलिवेशन की बात करें, मैं जूम करके आपको और दिखाना चाहूँगा, ये मैंने डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से क्रिएट किया है। ये देखिए बीम वगैरह आप देख पा रहे हो, बहुत प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें आपने देखी। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों इस मॉडल की, मैंने एक पेड सर्विस भी स्टार्ट की है दोस्तों। आप अगर घर बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके आपके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। वो हमारी पेड सर्विस है, जहाँ पर आपको 50% पेमेंट एडवांस देना होता है। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है। आप देखिएगा स्टेयर्स के माध्यम से जैसे आएंगे, देखिए मैंने डोर इस तरफ को दिया है, आप इस पर चढ़ जाते हैं। और ये पूरा गुमटी था जो मैंने क्रिएट किया है, ये इस गुमटी को ढक दिया मैंने। ये आप छत पर आते हैं, चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री, फ्रंट में रेलिंग जो कि एक स्टाइलिश और लो बजट रेलिंग मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किए। कुछ पेड़ वगैरह मैंने यहाँ पर दिखा दिए हैं आपको, जिससे आपके घर की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। तो फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो ये आपका बेस्ट रहता है, लो बजट हाउस और कम से कम पैसों में आप इस घर को बनवा सकते हैं। हम बजट की बात करें कि इस घर को बनवाने में कितना पैसा लगेगा, अप्रॉक्स विथ फिनिशिंग अगर हम बात करें तो उसका 4 लाख के आसपास कॉस्ट आने वाला है। अगर विथ फिनिशिंग की बात करें, फिर डिपेंड करता है आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, या आप हमारे स्मॉल हाउस प्लान को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप एग्जैक्ट कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है या डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है। तो ये मकान कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी और मॉडल कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।